सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो टीवी पंजाब ते मैं हां थोड़े नाल इंद्रप्रीत कौर संगीड़ा। खबरां दे इस बुलेटिन विच थोड़ा स्वागत है। सब तो पहला नजर मारदे हां हेडलाइंस ते। इमीग्रेशन दी सालाना रिपोर्ट पेश, जानो किन्ने प्रवासी हुई कैनेडा विच पक्के स्पाउस वीजा बारे भी आई अपडेट। ब्रिटिश कोलंबिया विच पंजाबी किसान अजे भी औखे, हड़ दा असर अजे भी जारी। एक्सप्रेस एंट्री विच हो रहे वड्डे बदलाव, इमीग्रेशन दी आई अपडेट। एमरजेंसी जांच कमीशन विच अहम खुलासा, हफ्ता पहला बदली मंत्रियों की सुरक्षा। इमीग्रेशन के नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर सामने आई है, जिथे TR2 PR प्रोग्राम अते स्पाउस के बारे डिटेल सांझी की गई। इमीग्रेशन का टारगेट पूरा होया या फिर नहीं, एक साल दे विच किन्नियां नूं PR मिल चुकी है, इस बारे इमीग्रेशन विभाग ने आंकड़े सांझे कीते ते नाल ही दस्या गया कि किन्ने TR नूं PR हासिल करन दा मौका मिलिया ते कैनेडा विच किन्ने स्पाउस वीजा वाले आए ने। IRCC वल्लों एक सालाना रिपोर्ट जारी की गई, जिथे दस्या गया कि हुण तक किन्ने PR दा स्वागत कैनेडा दे विच कीता गया, किन्ने स्पाउस वीजा वाले कैनेडा दे विच आए ते होर भी अलग अलग कैटेगरीज का जिक्र उन्हां वल्लों सांझा कीता गया, जिथे IRCC वालों दस्या गया कि करोना पैंडामिक के प्रभाव तो बाद इमीग्रेशन का पद्धर कैनेडा दे विच किस तरह दर्ज किया गया। जो आंकड़े सामने आए ने उन्हां तो पता चलिया है कि साल 2021 दौरान सारिया कैटेगरीज के तहत रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े दर्ज किए गए ने। इमीग्रेशन लेवल्स प्लान साल 2022 तो साल 2024 दौरान टारगेट तय किया गया कि साल 2024 के आखिर तक 4,51,000 नवे PR का स्वागत किया जाएगा। साल 2022 के वास्ते ये आंकड़ा 4,32,000 का दस्या गया। साल 2021 दे विच इस टारगेट नूं लै के रिकॉर्ड बनाया गया, जिथे वध PR का कैनेडा दे विच स्वागत किया गया। जो आंकड़ा साझा किया गया उस तो पता चलिया है कि साल दे विच 4,05,000 नवे PR का स्वागत किया गया, जिस विच स्पाउस वीजा वालियां दी गिणती 2,52,971 दसी गई। इस आंकड़े दे विच प्रिंसिपल एप्लीकेंट्स जिहड़े कि इकनोमिक क्लास इमीग्रेंट्स ने उन्हां नूं भी शामिल किया गया। हुण कैनेडा वालों इकनोमिक क्लास इमीग्रेशन प्रोग्राम्स संबंधी कई तरह के कदम चुके जा रहे हैं। मौजूदा समय कैनेडा दे विच स्किल्ड वर्करस की कमी है, बहुत सारिया नौकरियां खाली पईयां ने जिन्हां नूं भरन की लगातार कोशिश जारी है। मौजूदा समय कैनेडा विच बेरोजगारी दर 5.2% के उपर दर्ज की गई है। इमीग्रेशन इस दे विच एक अहम योगदान पाउंदा है। इमीग्रेशन के उपर 90% तक ये सारिया चीज़ा निर्भर कर दियां हन। फैमिली क्लास इमीग्रेशन के बारे जो आंकड़े सांझे किए गए, उत्थे दस्या गया कि साल 2021 दौरान 81,423 नवे आउण वालियां का स्वागत किया गया, तो पार्टनर स्पोंसरशिप की गिणती 69,000 के करीब दसी गई, जिहड़े कैनेडा दे विच आए ने। इस तों इलावा साल 2021 दे विच TR2 PR प्रोग्राम की जानकारी दे विच दस्या गया है कि इस पाथवे के जरिए 1,91,338 जिहड़े TR सन उन्हां नूं PR हासिल करन दा मौका मिल सकिया। इत्थे इह वी दस दईए कि कैनेडा दे इमीग्रेशन विभाग वल्लों लगातार बैकलॉग दे बारे भी जानकारी दित्ती जा रही है। मौजूदा समय विभाग दे कोल 2.6 मिलियन एप्लीकेशन दा बैकलॉग है। इस विचों बहुत सारिया अर्जियां दा हल भी कर दिता गया, पर फिर भी बैकलॉग अजे खत्म नहीं हो रहा। इस बैकलॉग नूं खत्म करन वास्ते सरकार वल्लों कई तरह के कदम चुके जा रहे ने। बजट विच भी इस वास्ते $85 मिलियन रखे गए। इस तों इलावा नवी स्टाफ की भर्ती करन की भी लगातार अपडेट जारी की जाती रही है। हुण देखना होगा कि आने वाले समय दौरान बैकलॉग के बारे सरकार किहड़ा आंकड़ा साझा करती है, पर मौजूदा समय का काफ़ी ज़्यादा अजे भी फाइलों का बैकलॉग इमीग्रेशन विभाग को पिया है, जिन्हां उपर फैसला सुनाउणा बाकी है। ब्रिटिश कोलंबिया सूबे दे विच पंजाबी मूल दे किसान काफ़ी परेशान हैं। ब्रिटिश कोलंबिया सूबे दे विच पिछले साल जो हड़ आए उसका असर अजे भी देखने को मिल रहा है। किसान काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। उस समय दे विच जदों पानी ज़्यादा भर गया तो ब्लूबेरी के फार्म भी काफ़ी नुकसाने गए सन। हुण पंजाबी मूल के जिहड़े किसान इस खेतर दे विच रहण वाले ने उन्हां वल्लों अपना पक्ष साझा करदिआं दस्सिआ जा रहा है कि किवें अजे भी उन्हां दे उपर इसका असर दिखाई दे रहा है। ब्रिटिश कोलंबिया दे विच जो हड़ां ने भारी तबाही मचाई, अजे तक किसान उस तों नहीं उभर सके। ब्रिटिश कोलंबिया दे विच आए हड़ां नूं चाहे एक साल पूरा हो गया, पर नुकसान की भरपाई अजे तक नहीं हो सकी। दसीए कि पिछले साल नवंबर महीने दौरान ब्रिटिश कोलंबिया सूबे विच हड़ आए, जिथे वड्डी गिणती विच लोग प्रभावित हुए। दसीए कि ब्रिटिश कोलंबिया दे विच भारी बारिश हुई, जिस कारण हालात हड़ां वर्गे बढ़ गए। US वाले पासे तो भी पानी कैनेडा वल आउण कारण हालात होर भी खराब हो गए, जिस नाल फसलां नूं काफ़ी नुकसान पहुंचा।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਫ਼ਤ ਦੱਸਿਆ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਬੁਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਬਲੂਬੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 10% ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,30,000 ਮੁਰਗੀਆਂ, 420 ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ 12,000 ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ$228 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਬਲੂਬੇਰੀ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 27,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਲੂਬੇਰੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲੂਬੇਰੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। IRCC ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। IRCC ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 16 NOC ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਦਲਾਵ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੀਅਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। TR 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। TR 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। TR 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 2 ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। TR 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। TR 4 ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ: ਪੇਰੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ, ਡੈਂਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ, ਨਰਸ ਏਡਸ, ਆਰਡਰ ਲਾਈਨਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਟਸ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ, ਸ਼ੈਰਿਫਸ ਐਂਡ ਬੈਲਿਫਸ, ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਆਫਿਸਰਸ, ਬਾਈਲੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਫਿਸਰਸ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟਾਲਰਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਰਸ, ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲਰਸ ਐਂਡ ਫੂਮੀਗੇਟਰਸ, ਅਦਰ ਰਿਪੇਅਰਰਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਰਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਸਬਵੇ ਓਪਰੇਟਰਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ ਓਪਰੇਟਰਸ, ਹੈਵੀ ਇਕਿਉਪਮੈਂਟ ਓਪਰੇਟਰਸ, ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਅਸੈਂਬਲਰਸ ਐਂਡ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 12 ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ: ਪੈਟ ਗਰੂਮਰਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ, ਅਦਰ ਸਪੋਰਟ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਪਰਸਨਲ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਲੌਂਗਸ਼ੋਰ ਵਰਕਰਸ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਂਡਲਰਸ, ਟੈਕਸੀ ਐਂਡ ਲਿਮੋਜ਼ਿਨ ਡਰਾਈਵਰਸ,
delivery service drivers and door-to-door distributors, board and cable ferry operators and related occupations, livestock laborers, nursery and greenhouse laborers, trappers and hunters, food and beverage servers, इन तमाम ऑक्यूपेशंस नू अटलांटिक प्रोग्राम तो बाहर कर दिता गया है। प्रदर्शनकारियां विरोध जो एमरजेंसी एक्ट लागू कीता गया उस संबंधी एमरजेंसी कमीशन जांच कर रहा है। उन्हां दी रिपोर्ट दे विच एक नवा खुलासा होया जिथे दस्या गया कि कई फैडरल मंत्रियों की जो सिक्योरिटी सी उस दे विच बदलाव किया गया, पुलिस वालों कुछ समा पहला ही यह बदलाव किया गया सी। वैक्सीनेशन नू लेके जो प्रोटेस्ट होया उस बारे हुण एक हैरान करन वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट दे विच दस्या गया कि वैक्सीन विरोधी प्रोटेस्ट तो हफ्ता पहला फैडरल मिनिस्टर की सुरक्षा दे विच बदलाव किया गया सी। एमरजेंसी जांच कमीशन की सुनवाई दौरान एक गल सामने आई है जिस विच पता चलिया कि RCMP ने वैक्सीन विरोधी प्रोटेस्ट तो एक हफ्ता पहला फैडरल मिनिस्टर की सुरक्षा दे विच बदलाव किया। पब्लिक ऑर्डर एमरजेंसी कमीशन एमरजेंसी एक्ट लागू करने की स्थिति और एमरजेंसी नाल निजठन वास्ते किए गए ऑप्शंस बारे पूछगिछ कर रहा है। इस तो पहला पूछगिछ दौरान एक गल्लां निकल के सामने आई सन कि ओंटेरियो प्रोविंशियल पुलिस ने इंटेलीजेंस विंग नू प्रदर्शनकारियों के जल्दी ओटवा ना छड्डण की सूह होने के बावजूद पुलिस की तैयारी सिर्फ वीकेंड लई ही सी। RCMP ने कहा सी कि हालांकि ये शुरुआत विरोध प्रदर्शन आम तौर पर शांतमई सन, पर उन्होंने चिंता सी कि वह होर भी एक्टिविटीज़ नू बढ़ावा दे सकते हैं। RCMP मुताबक उन्हां वल्लों प्रोटेस्ट करन वालियां दे पहुंचण तो एक हफ्ता पहला 21 जनवरी नू मिनिस्टर्स दी सुरक्षा नू अपडेट किया गया। रिपोर्ट दे विच कहा गया है कि ए अपडेट्स कुछ हद तक जनतक हैल्थ ऑर्डर्स, विरोधी बयानबाजी अते होर कई चीज़ां नू ध्यान विच रखदिआं कीते गए। दसीए कि जो लाजमी वैक्सीनेशन की नीति सरकार वालों लियांदी गई सी उस कारण विरोध किया गया। कैनेडा दाखिल होने तो पहला मोलिकुलर कोविड 19 टेस्ट अते दो हफ्तों के क्वारंटीन तो बचने वास्ते कैनेडियन ट्रक ड्राइवर्स नू मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाना सरकार वालों जरूरी किया गया। इस दे विरोध विच ट्रक ड्राइवरां वालों रोस रैली की गई अते इस नू फ्रीडम रैली का नाम दिता गया। 29 जनवरी नू राजधानी ओटवा दे विच ट्रक ड्राइवर्स पहुंचे अते उन्हां वालों अपने ट्रक डाउनटाउन दे विच खड़े कर दिते गए, जिस तों बाद डाउनटाउन विच रहण वाले लोग काफ़ी सहमे हुए दिखाई दिते। ये प्रोटेस्ट करीब 3 हफ्ते तक चलिया। इस तों बाद सरकार ने इन्हां प्रदर्शन करन वालियां नाल निजठण वास्ते एमरजेंसी एक्ट लागू किया। इस एक्ट के लागू होने नाल देश विच चल रहे विरोध प्रदर्शन नाल निजठण वास्ते फैडरल सरकार नू काफ़ी शक्तियां मिल गईयां। कैनेडा के इतिहास विच अजिहा पहली वारी कीता गया सी। इस सब तो बाद ही हुण कमिशन वालों इस सब नू लेके जांच कीती जा रही है। कमिशन अगे पेश होने वाले 65 गवाहां विच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी शामिल ने। इस तो इलावा डिप्टी प्रधानमंत्री फ्रीलैंड, जस्टिस मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एमरजेंसी डिफेंस मिनिस्टर, पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर, RCMP कमिश्नर, इन्हां तमाम लोगों को भी पूछगिछ की जाएगी। कमिशन का पहला पड़ाव 6 हफ्ते चलेगा और 25 नवंबर को खत्म होगा। इस तो बाद अगले पड़ाव विच जो एक्सपर्ट्स ने उन्होंने गलबात की जाएगी। दसिए कि 6 फरवरी को कमिशन अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। सेहत मंत्रियों वालों मुलाकात की गई तो उन्होंने वालों ट्रूडो के नाराजगी का प्रगटावा किया गया। हेल्थ केयर की फंडिंग नू लेके जिक्र करदिया फैडरल सरकार दे उपर कई तरह दे सवाल इना सेहत मंत्रियों वालों चुके गए। सेहत मंत्रियों की मीटिंग हुई जिस विच फैडरल सरकार दे उपर कई तरह दे सवाल खड़े किए गए ने। हेल्थ केयर नू लेके ए सवाल खड़े किए गए जिथे सेहत मंत्रियों वालों अपना पक्ष साझा किया गया है। इना सेहत मंत्रियों का कहना है कि फैडरल सरकार हेल्थ केयर फंडिंग वास्ते अगला कदम नहीं चुक सकी। इस तो इलावा होर की कहना है इना मंत्रियों दा, आओ तुहानू सुनाउंदे हां उना दी ही सुबानी। We focused on the health workforce crisis and the efforts being made in every jurisdiction, already announced, already established in terms of the source of money that would come forward in every jurisdiction to support health human resources, the staff, the doctors, the nurses, the health sciences professionals, the healthcare workers we need in the future. We also discussed digital health and health data, public health priority areas and applying lessons learned from the ongoing COVID-19 pandemic, mental health and substance use services, including efforts to address the opioid overdose crisis in many of our
communities and our provinces. The significant effort made in these areas is something that I think we need to emphasize. And there are examples in every single jurisdiction. Decisions to open multiple new medical schools and thousands of new nursing spaces by provincial governments committed not for a year, not for 5 years, but long into the future to fundamental change in the way that we fund public health care. Decisions such as the one we made in BC last Monday, in agreement with the doctors of BC, to fundamentally transform primary care. The efforts in every jurisdiction to improve standards and the quality of life in long-term care, to focus on community care, to address the fundamental questions around mental health and addictions. These were the subject of our work. This is the work we've done over the last number of days, the last 2 days, and it was very important to share that work with the federal government and to hear their perspectives and their support for those efforts. It was, of course, an honor to have Minister Duclos and Minister Bennett here with us today. I want to mention now, I guess, the elephant in the room, or in this case, the elephant not in the room. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਸ਼ੋਵਲਸ ਆਰ ਇਨ ਦਿ ਗਰਾਊਂਡ, ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਇਟ ਡਨ ਫਾਰ ਦਿ ਜੀਟੀਏ ਫੈਮਿਲੀਜ਼। ਦਿ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਆਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਬਾਈਪਾਸ, ਅ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ 4-ਲੇਨ ਫ੍ਰੀਵੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਕਨੈਕਟ ਹਾਈਵੇ 400 ਐਂਡ ਹਾਈਵੇ 404 ਇਨ ਸਿਮਕੋ ਕਾਊਂਟੀ ਇਨ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ। And there is no time to waste when it comes to getting this built. Previous governments chose not to invest in the future of this region. They were fined with gridlock that kept getting worse and people spending countless hours sitting in their cars. Well, let me say clearly, those days are gone, they're done. Whether you're a commuter trying to get home to the family or a trucker trying to get goods to market, the Bradford Bypass will be a game changer for the people of the GTA. It will support more than 2,600 jobs per year on the average during construction and will generate more than $274 million for the local economy. Our government is investing $86.6 billion over the next decade to build transportation infrastructure right across Ontario. That includes not only the Bradford Bypass, but also Highway 413. Because right now, over 300,000 commuters in York, Peel, and Halton regions endure gridlock every day of their lives. That's unacceptable. As Ontario's population continues to grow, we need to be ready. Our government is building Ontario with critical infrastructure projects just like the Bradford Bypass, a project that communities here have been asking to be built for decades. Together with partners like the one standing next to us, we're making incredible progress for the people of Ontario. But my friends, we can't take anything for granted. Facebook ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ Meta ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Meta ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ Meta ਵੱਲੋਂ 11,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 13% ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ Meta ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 11,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 13% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
जिस विच CEO मार्क जुकरबर्ग ने घट रही आमदन अते तकनीकी उद्योग दियां समस्यावां दा जिक्र कीता। दसिए कि कुछ दिन पहला ट्विटर वालों भी अपने कर्मचारियों की छांटी करन दा ऐलान कीता गया सी। जुकरबर्ग ने यह भी कहा कि उन्होंने COVID-19 पैंडेमिक के खत्म होने तो बाद तेजी नाल विकास की उम्मीद करते हुए तेजी नाल भर्ती करन दा फैसला लिया सी। इस तो इलावा वह कहते हैं कि बदकिस्मती नाल ए उस तरह नहीं चलिया जिस तरह उन्हां वालों उम्मीद की गई सी। नाल ही उन्हां वालों जिक्र किया गया कि ऑनलाइन व्यापार पुराने रुझानों से वापस आ रहा है। वध रही मुकाबलेबाजी अते विज्ञापन सिग्नल दे नुकसान कारण साडी आमदनी मेरी उम्मीद नालों बहुत घट गई है। दसिए कि कंपनी के स्टाक दे विच गिरावट दर्ज की जा रही है। मैटा ने होरना सोशल मीडिया कंपनियां वांग लॉकडाउन दौरान एक वित्ती हुलारे का आनंद माणिया क्योंकि वधेरे लोग घरां विच रहिंदे सन ते अपने फोन की वरतों काफ़ी करते हुए दिखाई दिते, पर जिवें लोग फिर तो बाहर जाण लगे तो कंपनी का मालिया घटना शुरू हो गया। इन गर्मियों दौरान मैटा के इतिहास में अपनी पहली तमाही आमदनी विच गिरावट दर्ज की गई जिस तो बाद होर गिरावट आई। पिछले हफ्ते ट्विटर ने 7,500 कर्मचारियों विचों अद्धे कर्मचारियों नूं नौकरी तो कढ दिता। एलन मस्क ने अपने ट्विटर की मलकियत संभालने तो बाद कंपनी की आमदन विच हुई भारी गिरावट का जिक्र किया। इस नाल ही यह भी पता चल रहा है कि टिकटॉक वालों भी काफ़ी टक्कर दिती जा रही है क्योंकि वधेरे नौजवान इंस्टाग्राम के मुकाबले टिकटॉक के उपर वीडियोज पाते हैं। मैटा इंस्टाग्राम का भी मालिक है। दसीए कि जुकरबर्ग कहते हैं कि असी अपने कारोबारों विच लागत अंदर कटौती की है जिस विच बजट नूं घट करना शामिल है। जुकरबर्ग ने बुधवार नूं कर्मचारियों नूं कहा कि उन्होंने एक ईमेल हासिल होगी जिस विच उन्होंने दस्या जाएगा कि वह कटे जाने वाले विच हन या फिर नहीं। तीन गड्डियां एक घर अग लगन का मामला सामने आया। राहत की खबर है कि किसी भी तरीके का कोई जानी नुकसान नहीं होया। फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इतने इन्हों चीज़ों अग कि लगी। रातों रात तीन कारा के घर अग लगन का मामला सामने आया। राहत की खबर रही कि इस दौरान कोई भी प्रभावित नहीं होया भाव कि कोई भी जख्मी नहीं होया। पुलिस वालों इस मामले की जांच की जा रही है जिथे दसिया गया कि कुछ वाहन घर अग की लपेट में आ गए। ऑफिसर्स के दसन मुताबक ये मामला ब्लैक क्रीक ड्राइव और लॉरेंस एवेन्यू वैसट के नेड़ियों सामने आया। फायर फाइटर्स को मौके वाली थान के उपर 4:15 के करीब सवेर वेले बुलाया गया जिथे उन्होंने देखा कि तीन वाहन अग की लपेट में ने। इस तो इलावा यह अग घर भी पहुँच गई जिथे घर भी अग की लपेट में आ गया। पुलिस अधिकारियों वालों कार्रवाई करदियां 5 जणियां नूं सुरक्षित घर चो बाहर कढ़िया गया। इस दौरान कोई भी जख्मी नहीं होया जिसकी पुष्टि टोरंटो फायर वालों की गई है। फिलहाल अजे तक यह पता नहीं लग सकिया कि इत्थे अग किस तरह लगी। अग के कारण अजे पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वह इस मामले की वधेरे जांच पड़ताल कर रहे हैं जिस तों बाद अगली अपडेट जारी की जाएगी। हुण तक दी जानकारी दे विच इन्हां तमाम गल्लां दा जिक्र कीता गया। इस दे नाल ही जांदे जांदे इक वार फिर तो नजर मारदे हां हेडलाइंस ते। इमीग्रेशन दी सालाना रिपोर्ट पेश, जानो किन्ने प्रवासी हुए कैनेडा विच पक्के, स्पाउस वीजा बारे भी आई अपडेट। ब्रिटिश कोलंबिया विच पंजाबी किसान अजे भी औखे, हड़ दा असर अजे भी जारी। एक्सप्रेस एंट्री विच हो रहे वड्डे बदलाव, इमीग्रेशन दी आई अपडेट। एमरजेंसी जांच कमीशन विच अहम खुलासा, हफ्ता पहला बदली मंत्रियों की सुरक्षा। खबरों के इस बुलेटिन विच इन्ना ही। फिलहाल मनिंदरप्रीत कौर संगेड़ा नूं दिओ इजाजत, तुसी वेखदे रहो टीवी पंजाब।